हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग स्टार्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। इसको समझना हमें ज़रूरी है। ये चैप्टर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू, सिर्फ यही तीनों स्टेजेस नहीं, लबासना में जाकर या फिर अगर आप स्टेट पीएससी से डीएसपी या एसडीएम बनते हो तो अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के बाद भी आपको एक तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी ही पड़ती है और उसमें से मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि बीइंग अ डीएम, मतलब बीइंग अ आईएएस ऑफिसर, जब आप डीएम बनते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, तो कुछ कुछ कोर्ट हियरिंग सुनवाई आपको करनी पड़ती हैं। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि अंधाधुंध पावर आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें हर चीज़ कॉम्प्रोमाइजेबल है एक्सेप्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी का। अगर आप कर देते हो तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि गलती से कर दिया मैंने, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऐसे केस में आप चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आपके खिलाफ। तो ये चीज़ आपको बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक इस चैप्टर के बाद आती है, फिर कुछ कुछ जो चैप्टर्स बीच बीच में आते रहेंगे, वो आपका साथ लबासना तक नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। लबासना में भी उसी से टेस्ट पेपर्स आपके हुआ करेंगे, और लबासना में भी कई लोगों को जिनको नहीं पता, मेंस और प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी, ठीक है, क्लासेस के बाद। तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान में थर्ड पार्ट में दे रखे हैं, और कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल्स हैं, 12 से लेकर 35 तक। अब आप लोगों के दिमाग में अगर थोड़ा बहुत, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर याद रहती दिमाग को, तो आप लोग मुझसे ये आर्ग्यू करोगे कि सर राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो शुरू ही 14 से होता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जाकर 32 पे खत्म हो जाता है, जो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चररी। सर इतना हमें पता है कि 14 से शुरू होता है और 32 पे जाके खत्म हो जाता है। तो ये शुरू के जो इससे पहले ये जो 13, 12 जो ये आर्टिकल्स हैं ये क्या हैं, और उसके बाद ये 33, 34 और ये 35 ये क्या हैं। क्वेश्चन जो निकलता है ना मौलिक अधिकारों में, अगर क्वेश्चन बना मेरे जैसा, अगर क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हुआ, ये 14 से 32 तक की कहानी तो हर कोई जानता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 12, 13, 33, 34, 35, ठीक है, देखेंगे हम इसको इस चैप्टर में काफी डिटेल में। इस संदर्भ में जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को, इसके पार्ट को इंक्लूड करने के लिए, इसके आर्टिकल्स को इंक्लूड करने के लिए इंस्पिरेशन जो ली, जैसे हर चीज हम लोग कहते हैं बोरोड और पैचवर्क है, बीआर अंबेडकर जी ने और उनकी टीम ने लगभग 60 से ज्यादा संविधानों को स्टडी करा था दुनिया के, तो हर चीज कहीं ना कहीं से ली गई है। क्या मौलिक अधिकार कहीं से ली गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिए गए। इसकी इंस्पिरेशन हमने ली यूएसए में। यूएसए में उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता था बिल ऑफ राइट्स। हमने जब इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, 19-20 का, 18-20 का फर्क करके, हमने इसको नाम दिया फंडामेंटल राइट्स, और ये बिल ऑफ राइट्स से थोड़े से स्ट्रक्चर में और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से अलग थे, वो हम देखेंगे कैसे। जो पार्ट 3 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो, ये स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्टिकल 12 to 35 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आप उसको इंडिया का मैग्ना कार्टा बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में आया होगा इंडिया का मैग्ना कार्टा मतलब, तो ये मैग्ना कार्टा क्या होता है देखते हैं। मैग्ना कार्टा यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन कह लो, 1215 साल में, साल देखना 1215, ये नंबर कोई नहीं है, ये ईयर है ये, ठीक है, जैसे हम लोग अभी 2022 में, ऐसे 1215 इंग्लैंड में मोनार्की रही है शुरू से, तो क्वीन एलिजाबेथ के खानदान का कोई रहा था जिसका नाम था किंग जॉन, उसने सबसे पहले दुनिया में एक अधिकारों का एक डॉक्यूमेंट पेश करा था जिसको हम लोग कहते हैं चार्टर ऑफ राइट्स, ऑफिशियल इसका नाम था मैग्ना कार्टा। अभी इसका थोपड़ा दिखा दूंगा मैं आपको, जो इंग्लैंड के अंदर उस टाइम पर बैरन्स थे, नोबल्स थे, कुछ लोगों के प्रेशर में, आप इतना समझ जाओ, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जाननी है, उनके प्रेशर के अंदर किंग जॉन को ऐसा करना पड़ा। ऐसा माना जाता है जनता को
मौलिक अधिकार एक ऐसे राइट, एक ऐसे अधिकार, एक ऐसा राइट जिनका उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री में इसकी झलक देखने को कभी मिलती है ना इतिहास में, तो वो इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है, अंडर अ बैनर, अंडर अ डॉक्यूमेंट नेम्ड एस मैग्ना कार्टा, 1215 साल में इशू करा गया था। अब ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, गलती से 1215 BCE लिख कर मत आ जाना, ठीक है? ये डी है, ओके। 1215 साल में किंग जॉन ने इसे इशू करा था, और ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, जमाना अलग था, उस टाइम के राइट्स अलग थे, उस टाइम का प्रेशर अलग था, कौन से राइट सिटीजन्स को चाहिए थे, बैरन्स क्या डिमांड कर रहे थे, वो सारी चीजें अलग थी, लेकिन मौलिक अधिकारों का स्ट्रक्चर और होते क्या है, वो होने भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात की परंपरा आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे ग्लोब पर, प्लेनेट अर्थ पर, इंग्लैंड में शुरू हो गई थी। तो मैं आपको मैग्ना कार्टा ओरिजिनल पिक्चर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी दिखती है ये पिक्चर जो ओरिजिनली प्रिजर्व्ड है। ये यहाँ पर इसको ये इशू करा गया था, ये ओरिजिनल पेज की शक्ल है, ये किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने इसे इशू करा था 1215 में, अंडर प्रेशर फ्रॉम द बैरन्स। ये देखो, ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, यही ये डॉक्यूमेंट है। इंग्लैंड में जब भी, जैसे हमारे यहाँ कोई भी बिल पास होता है तो वो एक्ट बनता है, तो प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, नॉर्मल एक्ट बन जाता है ना। इंग्लैंड में थोड़ा सा मोनार्की को रिस्पेक्ट देने के लिए जब भी कोई चीज़ जैसे आती है ना, तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक्ट आया, फॉर एग्जांपल चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर, चार्टर एक्ट ऑफ 1773, ठीक है? कोई भी जैसे ये एक्ट आता है ना, चार्टर एक्ट आप जानते हो, आपने सुना ही होगा, तो उसमें ये ना क्वीन या फिर जो भी मोनार्क होते हैं ये अटैच कर देते हैं अपना सिंबल, ये नीचे आप कॉइन सा ये देख रहे हो मेडल टाइप, ये जरूर लटका देते हैं। जैसा कि मेडिवल टाइम में जो कॉपर प्लेट का कंसेप्ट नहीं था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, किसी राजा ने मतलब रिलीज करा है, जिसको घर दिया गया है ना, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दान करा गया, ये इसी प्रकार से उनके प्रक्रिया चलती है कि ये चीज़ ज़रूर अटैच कर दी जाती है, अभी भी होती है आज भी, और आज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से ही होती है, लेकिन ये चीज़ ना प्रक्रिया, फाइनल अप्रूवल टाइप। और यहाँ पर एक तरीके से वो लग जाता है कि भैया डॉक्यूमेंट को मजाक में मत लेना, ये किंग या क्वीन या सिंपली हम लोग बोले मोनार्की ने इशू करा है, मोनार्क ने इशू करा है इसको, कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है? इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस सिक्के के बारे में, जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कि क्वीन वगैरह तो, किंग वगैरह तो बहुत कम आते थे ना, फ्रेंच, ये जो सॉरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इतने पावर के राइट और जो एक्ट आते थे ये कैसे आते थे, ये लोग कहाँ बनाते थे एक्ट, ये कैसे बनकर आता था और ये लागू कैसे हो जाता था, तो उसमें इस स्टैम्प की बहुत भूमिका रहती है। ये एक प्रकार का बस सील होता है मेडल की फॉर्म में, ये ऐसी सील होता है थ्री इडियट्स में, जैसे वो पेपर चुराता है ना, ये यूनिवर्सिटी में कभी कभार ये सील लगता है जैसे पेपरों में, ये उसी प्रकार का होता है। लेकिन अब थोड़ा सा भाई, मोनार्क है और क्वीन है वर्ल्ड की, और ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट रह चुका है कितना ज़्यादा, तो उसको दिखाने के लिए आज भी ये अच्छे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे इनके ये मेडल लगाया जाता है, ओके? ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब राइट टाइम आएगा इसका तब हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है यहां पर एक काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हमारा पार्ट थ्री है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, लेकिन ये ऐसे वैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव तो है, काफी लंबी लिस्ट है, ठीक है, होगा कोई बात नहीं, लेकिन टर्म हमारे लिए जानने वाला है जस्टिशिएबल, यानी कि अगर ये वॉयलेट हो गए तो पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट इन केस दे आर वॉयलेटेड, अगर इनका उल्लंघन होता है डायरेक्टली पर्सन अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। मैंने जैसा कि आपको बताया था मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, एक बात दोस्तों याद रखना, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस एक छोटी सी अपील करता है आपसे, वो कहता है कोई बात नहीं, बस मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट कहता है, मतलब ये जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं बस आपको एक बात कह रहा हूं, आप चाहो तो वैसा कर लो, नहीं चाहो तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो हमारे पास थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है,
फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है डायरेक्टली हमारे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो पहले एक बारी हाई कोर्ट चले जाओ, ठीक है? पहले हाई कोर्ट चले जाओ फिर हमारे पास आ जाओ। लेकिन कोई पर्सन कहे नहीं मैं क्यों जाऊं हाई कोर्ट, मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट कहता है यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बस हमने तो एक रिक्वेस्ट करी थी। रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि उसमें फोर्स यूज नहीं होती, है ना? कोई वो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में ये तो फर्क होता है। रिक्वेस्ट में ये होता है कि पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन है, सामने वाले ने बस एक चीज बोली है, मानना है मान लो, नहीं मानना कोई बात नहीं, यू आर द किंग, यू आर द बॉस, बस यही है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में दे रखे हैं, दुनिया के किसी भी संविधान में इतने इलेबोरेट तरीके से गिवन नहीं है मौलिक अधिकार जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में उसका जिक्र है, इंक्लूडिंग अगर आप बात कर लो यूएसए की, जहां पर, जहां से हमने ये इंस्पिरेशन ली है, हमने इनको बहुत डिटेल में लिखा है, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डाइवर्सिटी को, स्टेट्स को, रीजन को, अलग अलग प्रकार के लोगों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने ये सब क्या कहते हैं आराम से इसको डिटेल में लिखा है, ठीक है? और जितना डिटेल में, जितना इलेबोरेट तरीके में हमारे संविधान में ये चीज़ है ना मौलिक अधिकार, उतने कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी को गारंटी करे जाते हैं, टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जहां तक बात होती है, तो यहां पर हर एक इंडिविजुअल इन राइट्स को एंजॉय करने के लिए इक्वल है, इंडिविजुअल की सबकी डिग्निटी इक्वल है, और यहां पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है, और जो देश है हमारा वो यूनाइटेड फॉर्म में रहे, इस वजह से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। अब देख रहे हो, अगर आपको छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर एमपीपीएससी में, मेंस में, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आ जाए, यूपीएससी में कहीं पर भी, कि इनमें से फंडामेंटल राइट की एम्स क्या है। अब पॉलिटी में क्या होता है, जब भी कोई एम होता है ना, तो सारे एम ठीक होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो चीज आप उससे पूछिए, अब आप कंफ्यूज होके बैठे हो, क्योंकि इन डेप्थ यहां पर पूछ लिया उसने क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट की एम क्या है। अब पूरी लक्ष्मीकांत आपके प्रेशर में घूम रही है कि अरे डीपीएसपी का एम तो नहीं है, अरे फंडामेंटल ड्यूटी का एम तो नहीं है। तो देखो ये 3 4 बातें याद रखना। नंबर 1, फंडामेंटल राइट का एम ये है, सारे लोगों की इक्वालिटी को, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इक्वालिटी को, सिटीजन को, देश में भी नहीं कहेंगे सिटीजन को, क्योंकि सिटीजन की डेफिनेशन हमने देख ली क्या होती है, दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, नंबर 1 पहला एम। दूसरा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को अपहोल्ड करके रखना। तीसरा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना। चौथा, और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के बारे में सोचना। चौथा, तीसरा, चौथा, और हाँ 4 हो गए टोटल, ठीक है? ये याद रखना आप। ये 4 स्टेटमेंट भी आ सकती हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिम्स में, और फिर ऑप्शन 1 2 एंड 3 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है? आप कहोगे नॉर्मल सा ही तो लग रहा है, नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में लिखना और इसको रिकॉग्नाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये तीनों चीजें ना लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। मैं लेकिन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। लोग फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, आज भी अगर मैं उनको बोलूं कि एक एक लाइन में बस तीनों की डेफिनेशन फर्क बता दो, वो ये भी नहीं कर सकते। चैलेंज है मेरा, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट भी नहीं कर सकते, देखा है ना, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को। फंडामेंटल राइट जो है दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी एम है इसका, ये इसका ठोस तरीके से है। ऊपर तो जनरल एम लिखे हुए थे, फंडामेंटल राइट्स लाए क्यों गए हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए। इसको हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं सेकंड थर्ड चैप्टर्स के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे कि डीपीएसपी का एम क्या है, एफआर का एम क्या है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट होती है फंडामेंटल राइट से। कैसे? पॉलिटिकली जनता को सक्षम कैसे बनाते हैं मौलिक अधिकार? कंट्री के अंदर हमारे जैसी देश में अथॉरिटेरियन या डेस्पोटिक, क्रूअल रूलर या फिर डिक्टेटरशिप जैसा रूल ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करा जाता है मौलिक अधिकारों के द्वारा। लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं मौलिक अधिकार। और इस किससे प्रोटेक्ट?
स्टेट से, नेशन स्टेट से, यानी कि सरकार से। सरकार इन्वेड नहीं कर सकती आपके राइट में, आपके फ्रीडम में, आपकी लिबर्टी में। कॉल ट्रेसिंग या फिर प्राइवेसी 2017 से पहले बहुत अहम मुद्दा बन जाता था। आईटी एक्ट आया, वो आया। फाइनली केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है। तो आधार भी हर जगह कंपलसरी नहीं रहा, कंपलसरी रहा ही नहीं वैसे तो। बहुत एक्सट्रीमली किसी सिचुएशन के अंदर अगर चाहिए ही है कि इसके बिना काम नहीं हो सकता तो वो है, लेकिन वो भी आपकी विलिंगनेस है। आप चाहो तो कोई और डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड जिसको सरकार कंपलसरी बनाने का सोच रही थी और लोगों को डर था कि हमारी प्राइवेसी से ब्रीच ना हो जाए, लोगों ने चैलेंज करा PIR डालकर। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सेटल करा और उसी चीज़ में ग्रो कर गई एक चीज़ कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार की जो टायरनी है, टायरनी होता है अपनी मन मर्जी के मुताबिक रूल को एंजॉय करना कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को लांघते हुए, यानी कि एक प्रकार से डिक्टेटोरियल या फिर क्रूअल रूल को हवा देना, इसके ऊपर लिमिटेशन लगाने का काम करते हैं मौलिक अधिकार। क्यों करो स्टेट ऐसा कुछ भी, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तुम छीनो किसी का लैंड या कुछ भी, किसी को भगाओ, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और कंपनसेशन अमाउंट सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया दिलवाता है। लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्री लॉज होते हैं जिससे हो सकता है कि किसी एक सेक्शन, एक सेक्शन तो छोड़ो, किसी एक भी पर्सन के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तब भी आपको न्याय मिलेगा अगर आपके मौलिक अधिकार उस चक्कर में किसी लॉ के आने से अगर उनका उल्लंघन हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे केसेस पढ़ाऊंगा। एक हिंट बताता, एक मतलब एक बात बताता हूँ छोटी सी, मैं यहाँ पर आपको एक दो मिनट के अंदर क्या हुआ था। एक कसाई था, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक इंदिरा गांधी जी तब नहीं आई थी, उससे पहले की बात है। तो ऐसे एक केस गया था बुचर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया या नेशन स्टेट केस, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया केस ऐसा कुछ करके गया था कोर्ट के पास। मतलब ये था कि जो कसाई था उसको रोका जा रहा था कि तुम ये क्या कहते हैं अपना धंधा छोड़ दो, और जो भी होंगे हिंदू रेडिकलिस्ट कुछ होंगे या कुछ नेशनलिस्ट होंगे जो भी हैं, मतलब वो ये ऐसा वो बोल रहे थे। तो उसने चैलेंज करा किसको कि यार ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी जॉब है, ये मुझे रोटी देता है, इसलिए अगर आपके मन में आता ना कि कसाई खाने एकदम से बंद क्यों नहीं हो जाते हैं, वो इस वजह से नहीं हो जाते, सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा रखी है, वो भी एक प्रोफेशन है। और सरकार जो है ना देश के अंदर, चलो कसाइयों को रोक भी लेगी मुर्गा बकरा मीट मांस मच्छी काटने से, लेकिन हमारे अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा, अनबिलीवेबल अमाउंट में मीट चिकन बीफ एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से। अब वो कौन करता है, कसाई थोड़ी ना बेच रहे हैं बॉर्डर पे जाके। सरकार की तरफ से ऑफिशियली इनके जो बुचर हाउसेस होते हैं भापारी वाला काम होता है, हजारों लाखों की संख्या में गाय भैंस भेड़ बकरियां कटती हैं। तो इन शॉर्ट दे एम एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग सरकार की स्थापना हो, कुछ गिने चुने मर्द और औरत देश या सरकार ना चला सके, चला भी रहे हैं तो उनका जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री उसकी मर्यादा में होना चाहिए। अगर वो डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रूल या टेरेनिकल रूल को अगर हवा देंगे तो उनको उठा के पटक दिया जाएगा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। क्यों, क्योंकि संविधान ने मौलिक अधिकार दे रखे हैं लोगों को, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जिसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो अलग बात है कि आप इसको एब्सोल्यूट तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास अगर आपका फोन है तो आप ये कहो कि फोन तो मेरा है, क्या हो गया, मैं किसी की नहाते हुए तस्वीर खींच रहा था या वीडियो बना रहा था उसकी, ये कोई बात नहीं होती है।
यानी कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हुए दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें गारंटी करी गई है, प्रोटेक्ट और दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गारंटी करे हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। देश का सबसे बड़ा कोई किताब है, कोई सबसे बड़ा कानून है तो वो संविधान है। उसी ने हमें गारंटी करी और उसी के द्वारा अगर उनका उल्लंघन होता है तो प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया भी दे रखी है, प्रोविजंस भी दे रखे हैं। ये फंडामेंटल एक और सेंस में है कि इंसान की, सिटीजन की, जिस भी कंट्री में वो है, तो अगर वहाँ का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग अपने एग्जांपल में इंडिया से स्टिक करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब कैसे, मतलब ऐसा माना जाता है कि संविधान निर्माताओं ने ये जो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर रखा पार्ट थ्री आर्टिकल 12-35, इसकी वजह से लोगों की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, सिटीजन्स की, इस देश में जो भी रह रहा है सबकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, चाहे फिर वो मटेरियल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। अब आप कहोगे ये मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल क्यों, आप कहोगे स्पिरिचुअल वर्ड यहाँ पर क्यों डाला गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी एम है क्या फंडामेंटल राइट्स का? जी हाँ बिल्कुल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको अगर मैं जबरदस्ती किसी देवी देवता की या किसी और धर्म की पूजा पाठ करवाऊं तो शायद से आप उतना पीसफुल फील ना करो, क्योंकि वो आपकी चॉइस है आप किसे मानोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका विश्वास ही ना हो भगवान में या देवी देवताओं में, मैं जबरदस्ती आपसे पूजा, नमाज या गुरुद्वारे में आपको भेज रहा हूं, तब भी आपकी आत्मा किलसेगी। पर्सन को जैसे अपनी डेवलपमेंट करनी है, बस दूसरों के राइट्स इसमें उनकी हानि ना पहुंचे उनको और दूसरों के राइट्स का उल्लंघन ना हो, पर्सन की मटेरियल वेलबींग, इंटेलेक्चुअल वेलबींग, मॉरल वेलबींग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सब कुछ इंश्योर होती है मौलिक अधिकारों से। कैसे, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर डाला था, तो ओरिजिनल संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मौलिक अधिकार थे। शुरू होते हैं वैसे कि जैसा कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से, लेकिन जो कैटेगराइजेशन है वो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18, राइट टू फ्रीडम 19-22। अब इसको लिखकर मत आ जाना कभी भी गलती से, कई लोग क्या करते हैं सोचते हैं यहाँ पर राइट टू 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 ऐसे दे रखा है, तो वो इसको भी लिखाते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये ब्लंडर मत कर देना, आपके पास राइट नहीं है किसी को एक्सप्लॉयट करने का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप एक्सप्लॉयट नहीं होगे, इसके अगेंस्ट में आपको राइट मिला हुआ है। 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। ये वाला राइट, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और आज के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट है जो कि आई थिंक आर्टिकल 300A में गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यही है, नीचे ही है। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे बैक में, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ उसको एक बारी। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे प्रोविजंस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, कौन सी पार्टी थी यहाँ पर जल्दी बताओ, कौन सी पार्टी इस टाइम पर देश में जिसके कार्यकाल में ये हुआ, पार्टी पार्टी पूछ रहा हूँ, जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो एट प्रेजेंटली हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6, ठीक है। इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, क्योंकि आप सबका पीएसआईआर ऑप्शनल है। ये चैप्टर करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो आपसे पूछे मिस्टर जेड व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में इंडिया की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप के हाथ में पावर हो तो आप सरकार को क्या सुझाव देंगे कि और कौन से फंडामेंटल राइट्स को हमें ऐड करने की जरूरत है, और वो क्या होंगे, और आपके हिसाब से वो फंडामेंटल राइट ही क्यों होंगे।
इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना इंटरव्यू में, ठीक है? इस पहले से प्रिपेयर करके जाना, डोंट वरी, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाऊंगा, इसलिए मैं टेस्ट के साथ साथ आपकी 3 स्टेजेस रखना शुरू कर रहा हूँ, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि लिखना, पहचानना टिक मार्क करके, और बोलना सामने, तीनों बहुत अलग चीजें होती हैं। एक होता है कि आंसर मेरे सामने ही है, मतलब प्रीलिम्स की जो मेरे को शीट मिली है ना, भगवान की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, मेरे सामने ही है आंसर मेरा, 200 के 200 मार्क्स मेरे सामने ही, बस मुझे आइडेंटिफाई करना उनको। मेंस है, क्वेश्चन प्रिंटेड है, लिमिटेड स्पेस के अंदर लिमिटेड आइडियाज मुझे थ्रो करने हैं जो कि दूसरों से बेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू है वो 25 से 40 मिनट, मेरा दिमाग और मेरी जबान के तारों में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।